हाय फ्रेंड, मायसेल्फ डॉक्टर अभिषेक राय। फ्रेंड, आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में, ये भागम भाग की दुनिया में, जहाँ वर्क का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, घर का टेंशन अलग, बाहर का टेंशन अलग, इस स्ट्रेस भरी लाइफ में हर व्यक्ति को अपने घर में एक होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट 30 जरूर रखना चाहिए। फ्रेंड, इस मेडिसिन का काम है कोई भी बॉडी में कोई भी सडन अटैक हो, जैसे में सडन शॉक लग जाना, सडन पैरालाइज का अटैक हो जाना, सडन पैरालिसिस का कंडीशन डेवलप हो जाना, हार्ट अटैक, अगर किसी को तुरंत सडन कुछ गलत न्यूज़ सुने और हार्ट अटैक का सिम्टम देखने को मिलने लगा, कोई भी कहीं पर भी शॉक की कंडीशन डेवलप हो गई, तो एकोनाइट 30 इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैं किसी का न्यूज़ सुन लिया कि फलाना डेथ कर गया, फलाना व्यक्ति डेथ कर गया, तो ऐसा न्यूज़ सुनकर तुरंत सदमे में व्यक्ति सदमे में आ जाता है, शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो वो शॉक की कंडीशन डेवलप ना हो, उस कंडीशन से बचाने के लिए, किसी को सडन हार्ट अटैक का कंडीशन डेवलप होने लगता है, तो उससे आपको बचाने के लिए एकोनाइट 30 बहुत ही अच्छी दवा है। कोई भी काम सडन में अगर हो रहा है आपकी बॉडी में, तुरंत भर में सर्द गर्म लग गया, तुरंत भर में कहीं गए तबीयत खराब हो गया, अगर तुरंत कुछ हो रहा है बॉडी में, सडनली कुछ अटैक आ रहा है किसी भी डिजीज़ का और बहुत तीव्र गति से आपको कोलैप्स कर रहा है, आपके बॉडी को नष्ट कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में एकोनाइट नेपेलिस 30 बहुत अच्छा वर्क करता है। हर 5 मिनट पे 3 बूंद 4 बूंद जीभ पर दे दीजिए, कोलैप्स का कंडीशन नहीं होने देगा। अगर हार्ट अटैक आ रहा है व्यक्ति को, तो हार्ट अटैक नहीं आने देगा। अगर ब्रेन में शॉक की कंडीशन कोई भी न्यूज़ सुनकर आ रहा है, व्यक्ति बेहोश होने लगा, नहीं होने देगा। पैरालिसिस आ रहा है, पैरालिसिस अटैक आ रहा है, पैरालिटिकल अटैक आ रहा है, तो वो डेवलप नहीं होने देगा। एकोनाइट नेपेलिस 30 अगर हो रहा है उसी वक्त, अगर आप 5-5 मिनट पे 3 से 4 बूंद डाल देते हैं जीभ पर 2-3 बार, तो ये अटैक नहीं है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।